ये देखिए, जैसा कि मैं सिद्ध बाबा मंदिर महेंद्र नगर नेपाल में हूँ फिलहाल में, और इस मंदिर के दर्शन माता पूर्णागिरी देवी के दर्शन के बाद कंपलसरी बताए जाते हैं। ये काफ़ी ही एक शांत सी जगह है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पीपल का पेड़ है, जिसपे कि काफ़ी सारे आपको कपड़े बंधे हुए मिल जाएंगे, जो कि लोगों की मनोकामना के लिए बांध जाते हैं लोग यहाँ पे आके। और कुछ झंडे भी हैं यहाँ पे स्पेशल तरीके के। और यहाँ पे ये देखिए काफ़ी सारी घंटियाँ लटकी हुई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पीछे वीडियो में कितनी सारी घंटियाँ लटकी हुई हैं। चारों तरफ यहाँ घंटियाँ ही घंटियाँ लटकी हुई हैं। ये मैं इसको पूरा कवर करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। और ये है मेन मंदिर सिद्ध बाबा का, जहाँ पे एक योगी महाराज जो के काफ़ी पुराने टाइम के हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पे बैठ के पूजा की थी। कुछ ऐसी इसके बारे में कहानियाँ प्रचलित हैं। मैं आपको अंदर ले जाके कवर करा के दिखाता हूँ कि मंदिर अंदर से कैसा दिखता है। अभी देखिए, ये देखिए, ये हैं मेरे सामने सिद्ध बाबा, जिन्होंने यहाँ पे बैठ के तपस्या की थी। और आप देख सकते हैं कि ये बाबा काफ़ी पुराने हैं। पीछे एक त्रिशूल भी रखा हुआ है। यहाँ पे काफ़ी सारी भारतीय करेंसी भी है, इससे कि पता लगता है कि यहाँ पे भारतीय लोगों का आना जाना भी काफ़ी प्रचलित है। ये देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर भारतीय करेंसी के साथ साथ नेपाली करेंसी भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 का नोट नेपाल का, ये 5 का नोट और ये 10 का आप देखिए। तो इस वजह से पता लगता है कि यहाँ पे भारतीय लोगों का आना जाना भी काफ़ी प्रचलित है। यहाँ पे आने के लिए आपको कोई पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा लगभग 5 बजे तक अपनी बाइक को लेकर टनकपुर बॉर्डर से होते हुए नेपाल में एंट्री ले सकते हैं। और ये टनकपुर बॉर्डर से केवल और केवल 50 किलोमीटर के अंदर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो अगर आप पूर्णागिरी माँ के दर्शन के लिए आते हैं तो यहाँ पर आना कंपलसरी है, आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। अभी मैं आपको पीछे की तरफ काफ़ी बड़े बड़े घंटे लटके हुए हैं, मैं आपको उनको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मंदिर के पीछे का एरिया, जहाँ पे 3 काफ़ी बड़े बड़े घंटे लटके हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ आवाज़ करते हैं। बीच वाले घंटे को ब्लॉक किया गया है, क्योंकि ये घंटा कुछ ज़्यादा ही तेज़ आवाज़ करता है, इस वजह से इसको ब्लॉक कर दिया गया है। और आप देखिए, ये काफ़ी शांत जगह है। इसका मेन एंट्री गेट वो है पीछे, आप देख रहे हैं मेरे पीछे वीडियो में, जहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने जिस गेट से एंट्री किया है वो इसका पीछे वाला गेट है। तो आप कभी भी आते हैं तो आपको मोस्टली फ्रंट गेट से ही एंट्री मिलेगी, क्योंकि वहीं पे रिक्शे वगैरह यहाँ पे छोड़ के जाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, और ऐसी कुछ अजीबोगरीब जगहों के रिव्यूज़ और कुछ अजीबोगरीब प्रोडक्ट के रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।